हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ ब्रिक्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक्स के 2 पार्ट्स, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सो ब्रिक्स को बनाने के लिए पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि 4 स्टेप्स होता है। पहला जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, दूसरा स्टेप है मोल्डिंग, तीसरा स्टेप है ड्राइंग और चौथा स्टेप है बर्निंग। पिछले क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ क्ले और मोल्डिंग प्रोसेस को डिटेल में पढ़ा था, तो चलिए ड्राइंग और बर्निंग के बारे में इस क्लास में जानते हैं। ड्राइंग, ब्रिक्स को मोल्ड करने के बाद उसे हम ड्राई करते हैं। अगर बर्निंग प्रोसेस से पहले उसे हम ड्राई ना करें और डायरेक्ट बर्निंग प्रोसेस में भेज दें तो क्या होगा? उसमें मॉइस्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसमें क्रैक्स आ सकते हैं और उसका शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। इसीलिए बर्निंग प्रोसेस से पहले उसे ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ड्राइंग द ब्रिक्स। द फर्स्ट वन इज टू रिमूव एसेस मॉइस्चर फ्रॉम द ब्रिक्स एज पॉसिबल सो एज टू सेव टाइम एंड फ्यूल ड्यूरिंग द बर्निंग। द सेकेंड वन इज टू अवॉइड द चांसेस ऑफ क्रैकिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ ब्रिक्स ड्यूरिंग द बर्निंग। एंड द थर्ड वन इज टू इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक्स विदाउट एनी डैमेज टू द ब्रिक्स। सो ब्रिक्स को ड्राई करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि उससे हमें मॉइस्चर रिमूव करना है जितना पॉसिबल हो सके, ताकि हमारा टाइम भी बचे और फ्यूल भी बचे बर्निंग प्रोसेस के दौरान। द सेकेंड वन इज़ टू अवॉइड द चांसेस ऑफ क्रैकिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ ब्रिक्स ड्यूरिंग बर्निंग। दूसरा ये है ताकि ब्रिक्स में क्रैक्स ना आए और उसका शेप जो है वो ख़राब ना हो। तीसरा जो पॉइंट है वो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमें बढ़ाना है ब्रिक्स का विदाउट एनी डैमेज टू द ब्रिक्स। फॉर ड्राइंग द ब्रिक्स आर लेड लॉन्गिट्यूडिनली इन स्टैक्स ऑफ विड्थ इक्वल टू 2 ब्रिक्स। अ स्टैक कंसिस्ट ऑफ 8 or 10 टायर्स। द ब्रिक्स आर लेड अलोंग एंड अक्रॉस द स्टैक इन अल्टरनेट लेयर्स। ऑल ब्रिक्स आर प्लेस्ड ऑन एज। द ब्रिक्स शुड बी अलाउड टू ड्राई टिल दे बिकम हार्ड और बोन ड्राई विथ मॉइस्चर कंटेंट अबाउट 2% और सो। जनरली ड्राइंग प्रोसेस इज ऑफ 2 टाइप, दैट इज आर्टिफिशियल ड्राइंग एंड नेचुरल ड्राइंग। इन केस ऑफ लार्ज स्केल एंड शॉर्टेज ऑफ टाइम वी नीड टू गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज आर्टिफिशियल ड्राइंग। इन दिस प्रोसेस द मोल्डेड ब्रिक्स विच आर नीडेड टू बी ड्राइड बिफोर बर्निंग आर पास्ड थ्रू ड्रायर इन द फॉर्म ऑफ टनल्स एंड दिस ड्रायर्स आर हीटेड टू मेंटेन टेम्परेचर फॉर ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स एट ऑप्टिमम। सो ड्राइंग प्रोसेस में के लिए हम क्या करते हैं, ब्रिक्स को लॉन्गिट्यूडिनली प्लेस करते हैं स्टैक्स में जिसका विड्थ होता है इक्वल टू 2 ब्रिक्स। एक स्टैक में 8 से लेकर 10 तक लेयर होते हैं। ब्रिक्स को हम अलोंग और अक्रॉस करके स्टैक्स में अल्टरनेट लेयर्स में रखते हैं। ऑल ब्रिक्स आर प्लेस्ड ऑन एज। जब तक मॉइस्चर कंटेंट 2% तक ना हो जाए तब तक हमें ब्रिक्स को ड्राई करना पड़ता है। जनरली ड्राइंग प्रोसेस 2 तरीके का होता है, पहला है आर्टिफिशियल ड्राइंग और दूसरा है नेचुरल ड्राइंग। जब हम लार्जर स्केल में ब्रिक्स प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारे पास टाइम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अवेलेबल है, उस केस में हम आर्टिफिशियल ड्राइंग प्रोसेस प्रिफर करते हैं। और मान लो कि हमें स्मॉलर स्केल में ब्रिक्स मैन्युफैक्चर करना है और हमारे पास टाइम का कुछ ऐसा मतलब फिक्स टाइम नहीं है, उस केस में हम नेचुरल ड्राइंग प्रोसेस करते हैं। आर्टिफिशियल ड्राइंग में क्या होता है, सारे मोल्डेड ब्रिक्स को हम एक टनल से पास कराते हैं जिसमें ड्रायर्स लगे हुए हैं और ड्रायर्स एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ताकि वो ब्रिक्स को ड्राई कर सकें। सर्कुलेशन ऑफ एयर।
For easy and fast drying of bricks, it is necessary to stack bricks in a manner that a good circulation of air get maintained to all side of bricks. ब्रिक्स को मतलब ऐसी तरीके से रखा जाना चाहिए ताकि एयर जो है वो अच्छी से सर्कुलेट होके उसे ड्राई कर सके. ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स इज एन एसेंशियल ऑपरेशन एंड इट इज डन केयरफुली फॉर ड्राइंग पर्पज. ड्राइंग यार्ड्स आर प्रिपेयर्ड एट अ हायर लेवल देन ग्राउंड लेवल एंड दिस प्लेटफॉर्म इज कवर्ड विथ फाइन सैंड स्प्रिंकलिंग. दिस इज डन टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एयर. ड्राइंग प्रोसेस जो है ब्रिक्स का ये बहुत ही एक एसेंशियल ऑपरेशन है, इसीलिए उसे ठीक से करा जाना बहुत ही ज़रूरी है. ड्राइंग करने के लिए ड्राइंग यार्ड को ग्राउंड लेवल से एक हायर लेवल पर बनाया जाता है और उसके ऊपर फाइन सैंड स्प्रिंकल किया जाता है ताकि एक्यूमुलेशन ऑफ एयर को प्रिवेंट कर सके. देन पीरियड ऑफ ड्राइंग. Drying period depends upon weathering condition as it takes more time in monsoon and winter while takes less time in summer. Average it takes about 3 to 10 days for drying. So natural